हेलो एवरीवन दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली सो गाइस आई ने आर आर क्लर्क की वैकेंसीज और फुल नोटिफिकेशन आपका आउट कर दिया है डिटेल्ड आज हम लोग यहां पर सारे पॉइंट्स को समझेंगे जिनमें अक्सर एस्पिरेंट्स को यहां पर कंफ्यूजन रहता है तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ए टू जेड इस एग्जाम के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट बिना आपका टाइम वेस्ट करे हुए इसके अलावा इस वीडियो में एक दो इनिशिएटिव भी हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट जो गाइडली स्टार्ट कर रहा है जिसका एग्जाम टेंथ ऑफ जून और इलेवेंथ ऑफ जून को होना

Right? जिसमें से आपका की की जो vacancies हैं, वो हैं, और आपकी ये आपकी होगी अब बात आती है आपके एज क्राइटेरिया की जो कि सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन यहाँ पर लगता है कि एज क्या होनी चाहिए ठीक तो एज जो आपकी काउंट हो रही है इस बार वो है फर्स्ट ऑफ जून 2023 के रिगार्डिंग आपका एज यहाँ पर लग रहा है ठीक तो आपके दो एग्जाम है एक है पीओ का मतलब अठारह से तीस के बीच में आपकी ऑफिसर स्केल की हो गई राइट और अगर हम बात करें क्लैरिकल की एज की तो ये आपकी एज कितनी रहेगी यहाँ पर इसके लिए बात करी जाए तो ये है अठारह से अट्ठाइस साल तो ये उनके लिए है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बाकी आपको कैटेगरी

क्लर्क का फॉर्म नहीं भर पाएंगे मोस्ट मतलब कहते हैं ना सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो एज को लेकर एस्पिरेंट्स का रहता है राइट अब इसके बाद एक पॉइंट आता है पेपर पैटर्न की बात हम थोड़ा लेट करेंगे अब एग्जाम फीस की मैं बात बता दूं आपको तो एग्जाम फीस जो है आपकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए है सिर्फ आपकी कितनी ₹175 रुपीज। और अदर कैटेगरीज जो भी बचती हैं आपकी जनरल ईडब्ल्यू एस ओबीसी एक्सेट्रा तो इनकी आपकी है साढ़े आठ सौ रुपए की अगर क्लैरिकल की बात करें देन यू हैव टू पे एट फिफ्टी रुपीज और पीओ के लिए बात करें देन यू हैव टू पे एट फिफ्टी रुपीज राइट ये हो गया आपका सिलेबस की भी बात करेंगे और आपकी एग्जाम फीस में रिलेक्सेशन के लिए गाइडली स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहा है जिसको अभी मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूंगी कि आपको इनरोल कैसे करना है और लिंक इसकी कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी आठ जून तक आप इसमें इनरोल कर लेना एक प्री का एग्जाम होगा जिसे आपको पास करना है उसमें जो बच्चे आएंगे उनका ईडब्लू कैटेगरी EWS, नहीं सॉरी जिनको need है actual, उनको direct की तरफ से call जाएगा और उनकी जो फी है वो गाइडली के थ्रू पे है लास्ट ईयर भी हर एग्जाम के लिए हमने निकाला था इस साल भी निकाल बैंक एग्जाम की फीस आपकी बहुत ज्यादा रहती है इसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें सो so, गाइस देखो अगर आपका टेंथ और इलेवंथ में आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है राइट right? तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट की नीड नहीं है और आई बी पीओ पी क्लर्क में भी ये सर्टिफिकेट नहीं रहता मतलब रिक्वायर्ड है आई बी पी एस का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया देन तो आप अप्लाई करवा के इसको बनवा सकते हो ठीक है आपके पास अगर बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है चाहे वो ट्रिपल सी हो सी लेवल हो आपका डीसीए हो या फिर किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से आपका हो एनआईआईटी का हो तो आप इसको यूज कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है बट ध्यान रखिएगा कि, कि किसी भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से आपका ये होना चाहिए जो भी रजिस्टर्ड है और बेसिक की नॉलेज के लिए ये आपका रिक्वायर्ड होता है सिविल स्कोर की बात कर लेते हैं सिविल स्कोर में अगर हम बात करें तो जैसे इस बार आपका एक मिनिमम सिविल लेवल यहाँ पर डिसाइड किया अगर आपने कभी मतलब पास्ट में कोई लोन लिया है आपका या फिर आप कभी किसी भी आपने प्लेटफॉर्म से लोन लिया हुआ है चाहे ऑनलाइन हो या बैंक हो कहीं से भी तो आपने अगर उसको टाइम पे पे नहीं किया है तो डेफिनेटली आपका सिबिल खराब हो जाता है जो लोग जानते होंगे उसके बारे में उन्हें अच्छा खासा नॉलेज होगा और जिन्होंने आज तक कभी लोन लिया ही नहीं है कभी उनके अकाउंट में भी बहुत सारे एक्सपीडियंट्स ऐसे होंगे जिनके पास तो पैसे भी नहीं होते मतलब काम चल रहा है उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं बट जिनका सिबिल सिक्सटी सिक्स या इससे अबव है सिर्फ उन्हीं को आर अलाउ करेगा इस बार अगर आपका सिविल इससे नीचे है देन आपको दिक्कत हो जाएगी आपको फॉर्म में और आपकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो इस चीज को मेन्टेन करते हुए जो लोग इस चीज को मेन्टेन कर पा रहे हैं वही ये फॉर्म भरेंगे राइट एग्जाम फी की बात हमारी हो ही गई है अब बात आती है स्कॉलरशिप टेस्ट एलपी टेस्ट के बारे में मैं एक बार आपको यहां पर क्लियर करना चाहूंगी कि एलपीटी टेस्ट जो है आपका लैंग्वेज प्रोफिशियंसी टेस्ट होता है मान लो आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्थ से बिलोंग करती हूँ मेरी लैंग्वेज हिंदी है बट मैंने तमिलनाडु से बिलोंग कर दिया मतलब फॉर्म फिल कर दिया और सेलेक्शन हो गया तो मुझे तमिल नहीं आती आपको पता है ये सारी बैंक स्टेट लेवल की है मींस आपको वहां पर Uh, गांव की जनता से अपना संपर्क बनाना पड़ेगा विलेज एरियाज रहेंगे तो वहां पर उनको इंग्लिश नहीं आती होगी सो so आपको बेसिक नॉलेज होना वहां की लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट है हाँ आप अगर यूपी से हो देन आप एमपी का भर सकते हो मतलब जहां पर आपकी सेम लैंग्वेज है या फिर आप उसके फ्रेंडली हो तो आप फिल करना अदरवाइज आपको एक तो सर्वाइव करने में तो प्रॉब्लम होती है साथ में लैंग्वेज एकदम अपोजिट हो जाती है आप वहां फेल हो जाओगे एलपीटी टी में आपसे लिखवाया भी जाता है बुलवाया भी जाता है दोनों चीजें रहती है ठीक है इसमें रिटर्न होता है सो इस बात को आप ध्यान रखिएगा आपको उस स्टेट की लैंग्वेज के लिए टेस्ट देना पड़ता है अगर आप अभी थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है गाइस ध्यान रखो ठीक अभी इसमें से और चीजें भी हैं लेवल उसको भी हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है आपकी आरआरबी की वो एक जून से 21 जून तक है ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एक जून से 21 जून तक है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका अगस्त में होगा और मेंस का एग्जामिनेशन आपका सितंबर में होगा तो ये पॉइंट्स इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं ओके ये आपके प्रीलिम्स का क्या है पेपर पैटर्न है जो आपके एग्जाम में आना है आपके में सिर्फ दो सेक्शन आएंगे रीजनिंग और क्वांट 40 40 मार्क्स के और टोटल टाइम पीरियड 45 मिनट होगा यहां पर कोई भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहेगी नो सेक्शनल टाइमिंग दैट मींस कंपोजिट टाइमिंग ऑल 45 मिनट एंड यू हैव ऑल 80 क्वेश्चंस तो आपको उसको करना है और अपने मॉक में आप टारगेट करो 60 से 65 नंबर लाने की पीओ में और 75 नंबर तक 75 प्लस स्कोर करने की क्लैरिकल में अगर आप इस एग्जाम में सच में प्रलिम्स क्लियर करना चाहते हो सेफ जोन से ठीक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए ठीक है सी इन लोकल लैंग्वेज एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर दैट मीन्स आपका डिजायरेबल भाई आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का तो सिर्फ इतनी एलिजिबिलिटी आपकी इस एग्जाम के लिए यहाँ पर चाहिए ठीक ये आपका गाय स्कॉलरशिप टेस्ट होना है अगर जिस भी एस्पिरेंट्स को लगता है कि वो एग्जाम की फी नहीं दे सकता सो तो गायस देखो यहाँ पर गाइडली की तरफ से ये हो रहा है ये ऑफिशियल नहीं है नोटिफिकेशन एक चीज में बता दू हमारा प्लेटफॉर्म करवाता है हर साल एस्पिरेंट्स के लिए इनरोलमेंट उन्तीस मई से स्टार्ट हो गए हैं आठ जून तक आप इनरोल कर सकते हो इस टेस्ट में गाइडली पर यह आपका टेस्ट होगा ठीक है गाइडली के एप्लीकेशन और वेबसाइट के थ्रू आप जा सकते हो गाइडली डॉट इन वेबसाइट है दस जून को आपका लाइव टेस्ट होगा आर आरबी पी होगा और ग्यारह जून को आपका लाइव टेस्ट होगा आर क्लर्क का दोनों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट आपका हो रहा है ठीक जून के बाद आप नहीं कर पाओगे और जो इनरोल नहीं कर पाएगा वो इस टेस्ट को नहीं दे पाएगा ये चीज मैं आपको क्लियर कर दू एडमिट कार्ड नौ जून को हो जाएगा चार स्लॉट में आपका एग्जाम होगा नौ बजे दो बजे साढ़े ग्यारह और साढ़े चार बजे जैसे एग्जाम में आपका होता है ठीक तो जो भी इस प्रीलिम्स के एग्जाम प्रीलिम्स लेवल का होगा जैसा आपका पेपर आता है मतलब आपको यहाँ हेल्प हो जाएगी उन स्टूडेंट्स को जो भी चाहते है कोई भी कैटेगरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक इसके अलावा इलेवन एम गाइड कल ये आपका एक इवेंट है बिग इवेंट है गाइडली की तरफ से इसमें जरूर आप लोग कनेक्ट होइएगा बिकॉज आपके लिए कुछ बिग सरप्राइजेस है एंड लाइव कंपल्सरी है जैसे कि आपको पता है गाइडली आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता है तो आपको डेली टारगेट जो भी आपके एग्जाम रेलिवेंट कॉन्टेंट है वो पूरा गाइडली पर मिलेगा दैट मीनस ए टू जेड चाहे आपका कंप्यूटर है हिंदी है इंग्लिश है रीजनिंग है क्वांट है प्री है या मेन्स है मेन्स लेवल तक की पूरी तैयारी आपकी गाइडली कराता है बैंकिंग स्मार्टली मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इस एग्जाम के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी चीज जाननी है इसके अलावा पेपर पैटर्न की बात करें तो प्रिलिम्स का मैंने बता दिया है मेंस का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे राइट उसमें आपका कंप्यूटर लैंग्वेज आएगा आपका हिंदी और इंग्लिश में आपका इसमें मेंस में, में, में चॉइस रहता है और आपका एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है ठीक है और इसके अलावा क्वांट में आपको कोई प्रॉब्लम है इलेवन एम मैंने डेली यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट करी है आपकी क्वांट की आप कनेक्ट हो सकते हो डेली टारगेट रीजनिंग और क्वांट के मैं अपने ग्रुप में दे रही हूं आपको प्रैक्टिस के लिए आप इस यहाँ कनेक्ट हो सकते हो हर एक सिलेबस का हर एक टॉपिक में कवर करवाऊंगी बाकी इसके अलावा मेन्स के लिए हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर टेन जून क्लासेस तो जो मेल्स के एस्टूडेंट्स है वो यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट इसके अलावा आपका कोई डाउट हो कॉमेंट करके पूछ लेना लिंक जो भी इंपॉर्टेंट है कल के इवेंट की स्कॉलरशिप टेस्ट की मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी तो चलिए बाय बाय टेक केयर